फिलिस्तीन इसराइल युद्ध की आग फैलती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसराइल को उसके घर में घुसकर मारने की वार्निंग दी है। इसराइल ने भी इसका करारा जवाब दिया। एर्दोआन का हश्र भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह होगा। सद्दाम हुसैन को फांसी पर टांग दिया गया था। सवाल है कि क्या अब दुनिया को एक और युद्ध झेलना पड़ेगा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की और दूसरी है इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की। एक साथ इन दोनों की तस्वीरें पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रही हैं। एक साथ दोनों की तस्वीरें जारी की हैं इसराइल की विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने। इसराइल की यह तस्वीर जवाब है तुर्की को, लेकिन किस बात का जवाब, इसकी डिटेल बहुत दिलचस्प है। क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में एर्दोआन की खुली धमकी, इसराइल में घुसकर तुर्की करेगा हमला। एर्दोआन ने कहा कि लीबिया की तरह इसराइल को मारेंगे, नागोर्नो काराबाख की तरह इसराइल को तबाह कर देंगे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन दूसरे मुस्लिम देशों की तरह इसराइल से दुश्मनी पालते हैं, लेकिन अब तक हमास के लिए इसराइल में घुसकर उसे तबाह और बर्बाद करने की धमकी नहीं दी थी। यह पहली बार हुआ है कि एर्दोआन ने सीधा इसराइल को घर में घुसकर मारने की धमकी दी है। एर्दोआन के तेवर देखिए और उनके शब्दों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि बयान के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसे देखकर लगता है कि अब फिलिस्तीन इसराइल जंग में डायरेक्ट होने जा रही है तुर्की की एंट्री, मतलब इसराइल तुर्की का युद्ध तय है। bizim ithalat ihracatımız neydi, nereye geldi? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. एर्दोआन के बयान के जवाब में इसराइल ने तुर्की को चेतावनी दी। इसराइल ने कहा कि एर्दोआन का अंजाम इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसा होगा, जिसे फांसी दी गई थी। इसराइली विदेश मंत्री इसराइल कार्ट्स ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, इसराइल पर हमला करने की धमकी देकर एर्दोआन सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि वहां क्या हुआ और कैसे खत्म हुआ। अपने इसी एक्स पोस्ट में इजरायली विदेश मंत्री ने सद्दाम हुसैन और एर्दोआन की फोटो भी शेयर की है। एर्दोआन इजरायल के गाजा में सैन्य अभियान के कट्टर विरोधी रहे हैं और अब खुलकर इजरायल को सबक सिखाने की वार्निंग दे रहे हैं। हालांकि बड़ी चतुराई से एर्दोआन के टाल गए कि इजरायल पर वो हमला कब करने वाले हैं। एर्दोआन ने अपने बयान में जिस लीबिया और नागोर्नो काराबाख की तरह इसराइल में घुसने की धमकी दी है, उन दोनों जगहों पर तुर्की ने क्या किया था, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इसराइल मुस्लिम देशों के बीच बसा यहूदी देश है। गाजा में इसराइल के घुसने का विरोध सारे मुस्लिम देश कर रहे हैं, लेकिन जो देश खुलकर इसराइल के खिलाफ खड़े हैं उन तुर्की, ईरान, लेबनान, यमन जैसे देश शामिल हैं। ईरान के समर्थन से यमन के हूथी विद्रोही और लेबनान का हिजबुल्ला इसराइल पर हमले कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन जिस लीबिया और नागोर्नो काराबाख का जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तुर्की की सेना ने लीबिया में 2020 में संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड ऑफ लीबिया का समर्थन किया था। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद अल दबीबा को तुर्की का समर्थन मिला। तुर्की ने यह इसलिए किया क्योंकि इसका मकसद था लीबिया के बाजार में तुर्की कंपनियों के लिए अवसर सुनिश्चित करना। इसी तरह अजरबैजान और आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख संघर्ष में भी तुर्की ने अपनी भूमिका निभाई थी। तुर्की ने अजरबैजान को सैन्य प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण सहायता मुहैया कराई थी। एर्दोआन के इसराइल में सैन्य कार्रवाई की धमकी उस समय आई है जब गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नेतन्याहू के ऐलान के मुताबिक गाजा में हमले हमास के आखिरी आतंकवादी की मौत तक जारी रहने वाले हैं, जाहिर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।